राजधानी रांची में आज बीजेपी का युवा आक्रोश रैली है और ऐसे में तमाम युवा नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कई महिला कार्यकर्ता भी पहुंच रही है। इन्हीं सब के बीच तीन महिलाएं जो हैं वो देखिए किस तरीके से टुक टुक में आ रही हैं, बारिश हो रही है और जो महिलाएं हैं वो कैसे जो है इस बारिश में इस रैली में शामिल होने के लिए टुक टुक से आ रही हैं। तीन महिला हैं, हाथ में छाता है बीजेपी का, टुक टुक में जो है भगवा झंडा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज इस रैली में आप लोग आई हैं, बारिश हो रही है, पुलिस की बैरिकेटिंग भी है और ऐसे में आप लोग पहुंची है टुक टुक में तीनों महिला। हाँ, हम लोग ये हेमंत सरकार के खिलाफ रैली में आए हुए हैं ताकि हेमंत सरकार को इस बार तो आने नहीं देंगे और युवाओं के लिए बहुत ही झूठ सच बोल के हेमंत सरकार अपना कुर्सी हासिल किए हैं ताकि इस बार उन्हें कुर्सी ना मिले, इसलिए हम लोग ये युवा आक्रोश रैली में आए हुए हैं। ये टुक टुक से आप लोग आई हैं, हाथ में बीजेपी का छाता है, बारिश भी हो रही है, पुलिस प्रशासन ने भी रोका होगा आप लोग को, तो कैसे यहाँ तक पहुँची? पुलिस प्रशासन क्या रोकेगा हम लोग को, वो लोग जान रहे हैं मोदी सरकार के जो भी बीजेपी है अब जाग चुके हैं, अब हेमंत सोरेन का कोई भी झूठा या कोई भी ये चलेगा नहीं, समझ गए ना, इसीलिए हम लोग आराम से आए हैं। हाँ, 5 साल के बाद अब हम लोग का भाजपा जाग चुका है, अब हम लोग को कोई दबा नहीं सकता है। क्या कहेंगे मैडम? क्या बोलेंगे, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 5 साल तक बेरोजगार तो है ही, पर सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की तकलीफ है कि लाखों बच्चे करोड़ों पढ़े लिखे लोग जिनका उम्र पार होते जा रहा है उनके लिए तो कम से कम सोचे, इतना हम लोग विश्वास किए उसके बावजूद भी 5 साल में कुछ आज तक नहीं किए हैं ना, इसलिए सभी का मन तो टूटा ही है, सब कोई आक्रोश में तो आएंगे ही, रोड पर तो निकलेंगे ही। अब आप लोग जाइए, कैसे आप लोग रैली में शामिल होने टुक टुक से जा रही है, देखिए तमाम महिलाएँ जो हैं वो इस रैली में शामिल हो ली है और ऐसे में देखिए किस तरीके से इस ई रिक्शा यानी कि टुक टुक से पहुंची हैं। कह सकते हैं कि काफ़ी यहां पर तमाम जो युवा नेता हैं बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी अपनी तैयारी है। देखने वाली बात हुई कि अब तमाम जो युवा नेता हैं वो जब CM हाउस का घेराव करने निकलेंगे तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी मुस्तैदी से इन्हें रोकती है। सो विनवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।